पॉपुलर टीवी एक्टर भूपेंद्र सिंह को एक युवक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। भूपेंद्र सिंह ने बिजनौर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद के दौरान भूपेंद्र सिंह ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक ही परिवार के चार लोगों को गोली लग गई। इसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि अन्य घायल हो गए। जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और आरोपी एक्टर भूपेंद्र सिंह के साथ दो अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मृतक युवक के चाचा ने भूपेंद्र सिंह समेत चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक भूपेंद्र सिंह 19 नवंबर को ही मुंबई से अपने गांव आए थे। वह कई टीवी सीरियल का हिस्सा रह चुके हैं, जिनमें मधुबाला, एक इश्क एक जुनून, काला टीका एक हसीना और कार्तिक पूर्णिमा जैसे नाम शामिल हैं। भूपेंद्र सिंह का पैतृक गांव बिजनौर के बूढ़ापुर थाना क्षेत्र का कुआखेड़ा गांव है और यह वारदात भी यही हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक भूपेंद्र सिंह के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं जबकि पत्नी जयपुर में रहती है और वह खुद मुंबई में एक्टर है। वहीं परिवार के अन्य लोग गाँव में है। 15 दिन पहले भूपेंद्र सिंह गांव पहुंचा। इसी दौरान खेत की मेड़ पर लगे एक पेड़ को लेकर भूपेंद्र का गांव के ही एक युवक गुरदीप के संग झगड़ा हो गया। दोनों ही पेड़ को अपना बताने लगे। बात बढ़ती गई और नौबत गोली चलने तक आ गई। पहले तो भूपेंद्र सिंह और गुरप्रीत के बीच मारपीट हुई, फिर भूपेंद्र ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें गुरदीप के 23 वर्षीय बेटे गोविंद की सरेआम मौत हो गई।